क्या नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब मैं मंत्री हो गया था, नीतीश बाबू को याद नहीं है, मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको याद करा दीजिए कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उसके पहले मैं मंत्री था। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद भी नहीं है कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तभी हम मंत्री बन गए थे, उनको याद दिला दीजिए। इसी के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब लवकुश समाज उनके साथ जाएगा भी नहीं और ना उनकी तरफ देखेगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के द्वारा सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज पटना सिटी के अगमकुआं स्थित अवध ग्रीन कम्युनिटी हॉल में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट चौधरी समेत कुशवाहा महासभा के पदाधिकारी गण द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की तरफ से अंग वस्त्र और माला पहनाकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई और मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं थे तभी सम्राट चौधरी मंत्री बन चुके थे, उनको याद दिला दीजिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा बयानबाजी किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसे में वो हम बता दें कि हम मेरे ऊपर दायित्व है बीजेपी को अव्वल नंबर पे लाना, बीजेपी की सरकार बनाना, बिहार में बीजेपी को लाना, यही हमारी प्राथमिकता है और यही हम पे दायित्व है। बाद में क्या होगा ये तय करेंगे जो बीजेपी के संरक्षक है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो तय करेंगे कि बाद में क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारा दायित्व है कि पार्टी बीजेपी की पार्टी को सरकार बनानी है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पहले आपको हम वो सुनाते हैं। नहीं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी को शीर्ष पे खड़ा करना है, पार्टी की सरकार बनानी है, इसका दायित्व है, उसके बाद तो हमारे नेतृत्व ही करते हैं। क्या नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब मैं मंत्री हो गया था, नीतीश बाबू को याद नहीं है, मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको याद करा दीजिए कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उसके पहले मैं मंत्री था। नहीं, ये पूरे बिहार के लोग हैं, सभी लोगों से, सभी लोग जगह से आए हैं और यह पूरा स्पष्ट है, अब कोई लवकुश समाज अब नीतीश कुमार की तरफ नहीं देखने वाला। देखा किस कदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब लवकुश समाज उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।